पहले मैं इस बाइक की आवाज़ सुना देता हूँ, गियर डालने के बाद इसको देखना आवाज़ कैसे करती है। एक बार देखो इस तरीके से आवाज़ कर रही। इस आवाज़ को सही करेंगे और आप लोगों को आगे वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ये है मेरे पास हीरो की सुपर स्प्लेंडर बाइक है और ये बाइक टोटल चली हुई है 23,626 किलोमीटर चली हुई है और इसके चैन से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। जब हम बाइक को गियर में डालते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही सुना दिया है। तो इसकी जो चैन है, चैन पहले चेक कर लेते हैं। इसका जो चैन कवर है, चैन कवर को ओपन करते हैं, चैन कवर को खोलते हैं और क्या प्रॉब्लम हुई है। गियर हम जब डालते हैं बाइक में और आगे बढ़ाते हैं, जब भी आवाज़ आती है और बहुत कस के आवाज़ आती है। आप लोगों ने तो सुना है, मैंने शुरुआत में आप लोगों को सुनाया भी है आवाज़। अब इसको डायरेक्ट हम खोलते हैं इसका चैन कवर और देखते हैं जो कमी है इसमें, वो चीज़ चेक करा देते हैं आप लोगों को भी। तो पहले इसका जो चैन कवर है, 4 बोल्ट होते हैं 10 नंबर के चैन कवर में, चारों बोल्ट को खोलना है, 10 नंबर के पाने से खुल जाते हैं। मैं चारों बोल्ट को खोल लेता हूँ इसका जो चैन कवर है, फिर चैन कवर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो चलो, चैन कवर के सारे बोल्ट खुल गए। अब इसका जो चैन कवर है कुछ इस तरीके से निकल जाता है, ये तो ये नीचे का निकल गया। अब हम ऊपर का भी निकाल लेते हैं, ये हो गया चलो। और अब जो है इसकी इस पॉकेट चेक कर लेते हैं। पहले बाइक तो आप लोगों ने देखी कितनी चली हुई है और इस पॉकेट कटी हुई है, ये देखो कटी हुई है और इसके जो दांत हैं, दांत भी कम है। आगे वाला फ्रंट वाला जो इस पॉकेट कवर है वो खोलते हैं। इसमें 8 नंबर की टी लगती है, 2 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के, तो इसे भी खोल लेते हैं क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर जब ऐसी आवाज़ आती है तो आगे वाली इस पॉकेट ख़राब हो जाती है जब आवाज़ आती है। तो अभी मैं आगे वाली इस पॉकेट खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो इसका जो दाँत है काफ़ी कम है, देखो काफ़ी कम है और ये एक तरफ से कटे हुए हैं, एक तरफ से देखो घसे हुए हैं, एक तरफ से ज़्यादा घसे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसकी इस पॉकेट को पूरी खोलूँगा, इस पॉकेट को बाहर निकालूँगा। तो इसमें भी 8 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं, गियर में बाइक को डाल देना है और फिर बोल्ट को खोल लेना है, बोल्ट आराम से खुल जाएंगे, 8 नंबर के टी पाने से खुलेंगे। तो हम इस दोनों बोल्ट को खोल के और इस पॉकेट को मैं पहले बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर इस पॉकेट में करना क्या है जिससे अभी चैन इस पॉकेट और भी चले और चले। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ इस तरीके से, शाफ्ट में फंसी रहती है, ये निकल गई। तो ये इस पॉकेट जिधर से कटी हमको इस तरीके से पलटी कर देना है, इस तरीके से पलटी करके हमको लगाना है। तो चलो थोड़ा सा मैं इसे, ये जो इस पॉकेट है, ये छोटी वाली आगे वाली इस पॉकेट, इसको घुमा के लगाना है जैसे हमने निकाला था वैसा। निकालने के बाद इस पॉकेट को उल्टा घुमा देना है। अब इससे क्या होगा कि जो चैन की जो दांतें हैं, टी हैं, टीथ जो रहते हैं चैन के, वो एक तरफ से घसे हुए थे, जिधर के वो घसे हुए थे उधर हमने अंदर कर दिया। अंदर करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ नहीं आएगी और अब जो इस पॉकेट आगे वाली है वो कटेगी अब दूसरी साइड से, क्योंकि एक साइड से तो घस चुकी है क्योंकि टीथ टेढ़े हो चुके हैं एक साइड से। अब दूसरी साइड से हमने घुमा के लगा दिया तो टीथ जो है उधर के सीधे हैं अभी, तो उधर से अभी ये आवाज़ नहीं करेगी। तो अभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, उसी को सही कर रहे हैं। बाकी इस पॉकेट हमने उल्टी करके लगा दी, पलटी मार दी इस पॉकेट की आगे वाली, फ्रंट वाली। अब रियर वाली में हमको कुछ नहीं करना है, इसकी जो चैन है, चैन लूज होगी तो चैन को टाइट कर देना है। तो चलो इसकी जो चैन है, चैन को टाइट करते हैं। चैन एडजस्ट कैसे करना है वो आप लोगों को बता देते हैं। अभी जो इसकी चैन है काफ़ी ज़्यादा जो है लूज भी है, न्यूट्रल करते हैं पहले इसे, ये हो गई। और इसके अगर मैं चैन खाली टाइट कर देता तब भी आवाज़ बंद नहीं होती जब तक हम आगे वाली इस पॉकेट पलटी नहीं मारते, क्योंकि इस पॉकेट आगे वाली ही आवाज़ कर रही थी, पीछे वाली नहीं कर रही थी, आगे से आवाज़ आ रही थी। तब इसकी चैन जो अभी काटना वगैरह नहीं पड़ेगा, काटना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही काम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है चैन पीछे और जाएगी, एडजस्टर अभी फुल नहीं हुआ है। तो इसको टाइट करने के लिए हमको यहाँ पे 18 नंबर का जो बोल्ट 19 mm का बोल्ट होगा, 18-19 नंबर का पाना लगता है इसमें, तो इसको हम खोल लेते हैं। लूज करना, खोलना नहीं है। तो चलो मैं इस बोल्ट को लूज कर लेता हूँ, ये बोल्ट मेरा लूज हो गया, ये देखो इतना लूज कर लेना। और ये जो पीछे है इसकी थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ,
खुल के पीछे आ गए हैं। और अब जो है इस साइड का लूज करते हैं, 23 नंबर का होता है हाफ एक्सल में बोल्ट इस साइड में, दोनों को लूज कर लेना है। और अब लेना 12 नंबर की फिक्स पाना और इसे टाइट करना है यहाँ पे, इससे हमारी चैन टाइट हो जाएगी। चलो हो रही है, चैन टाइट हो रही है। चलो जितना हमको इस साइड में टाइट करना है उतना ही हमको उस साइड का भी टाइट करना है। ना समझ में आए तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से चेक करना है। दोनों सेम रहना चाहिए, दोनों सेम अगर एडजस्टर नहीं होगा तो आपका जो व्हील है व्हील टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेटिंग देती है, यहाँ पे देखो खाँचा दिया है, तो इस साइड का जो जितने पे है उस साइड में भी उतने पे ही सेट कर देना है। भाई इसकी चैन भी टाइट हो चुकी है, देखो चैन भी कंप्लीट हो चुकी है, सही है सही। इसमें आप चाहो तो ऑयल वगैरह मार सकते हो। तो अभी इसका जो चैन कवर है, चैन कवर को हम लगाते हैं, पहले ये दोनों बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। जो इस पॉकेट वाला बोल्ट है वो 23 नंबर का है, और जो एक्सल का बोल्ट है उस साइड में साइलेंसर साइड में वो है 19 mm का बोल्ट। तो दो पाना लेना है और एक 10-12 की रिंच फिक्स पाना, इससे काम हो जाता है, चैन टाइट हो जाती है। अभी इधर का जब भी टाइट करना तो व्हील घुमा के ब्रेक दबवा लेना और उसके बाद टाइट करना। चलो मैं ब्रेक को दबवा लेता हूँ, ब्रेक हमारी दब चुकी है, अब मैं इस बोल्ट को टाइट कर दूंगा। ब्रेक दबाने का फ़ायदा ये हो जाता है व्हील जाम नहीं होता है, ब्रेक दबा के बोल्ट को टाइट करोगे व्हील जाम नहीं होगा। तो अभी ये हो गया हमारा काम जो है कम्प्लीट, इसे टाइट कर देते हैं क्योंकि ये खुल जाता है। ये हो गया, अभी आते हैं इस साइड में, और इस साइड में जो बचा है चैन कवर भी, इधर इस पॉकेट देख लो, ये देखो इधर पूरी खुल के चल रही है। देखो इसकी स्पॉकेट ख़राब हो चुकी है, ख़राब हो ही गई है, लेकिन अभी हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अभी इसे मैं और चलवाऊंगा, जब एकदम ख़त्म हो जाएगी तो फिर चेंज कर देंगे, नई स्पॉकेट डाल देंगे। अभी इसका जो है चैन कवर वगैरह हम लगा के फिटिंग कर लेते हैं, आगे का चैन कवर और जो पीछे का चैन कवर है वो लगा के सारा कुछ फिटिंग करके बाइक को रनिंग करके दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। तो इसका जो चैन कवर है पहले चलो लगा लेते हैं, सारा कुछ फिटिंग कर लेते हैं। चैन कवर को सिंपल बिठाना, खाँचे होते हैं चैन कवर में, तो खाँचे में बिठा देना चैन कवर, बैठ जाता है, इतना ज़्यादा वो टफ नहीं है, आराम से बैठा लेना, बैठ जाता है। अभी चैन कवर हमारा बैठ चुका है, चैन कवर के जो बोल्ट थे चार वो लग रहे हैं, चैन कवर के चार बोल्ट लगा के चैन कवर को टाइट कर लेते हैं। इधर से ही बैठा लेना, देखो सारे खाँचे में बैठा लेना चैन कवर को, इस साइड से बैठाना, इस साइड से नहीं बैठाओगे तो चैन कवर आवाज़ करेगा। तो अच्छे से चैन कवर बिठा लेना है, अभी मैंने इतना काम कर दिया, अगर चैन कवर नहीं बैठा होगा तो फिर ये चैन कवर आवाज़ करेगा, फिर क्या मालूम पड़ेगा कि हाँ आवाज़ उसी तरीके से आ रही है। तो अभी हम लोगों को चैन कवर खूब अच्छे से बिठा लेना है, जो मैंने कर लिया है। अब मैं बाइक को स्टार्ट करके राउंड मार के चेक कर लेता हूँ, चलो चेक कराता हूँ आप लोगों को, वो आवाज़ जो आ रही थी वो बंद हुई या नहीं बंद हुई, हमने जो काम किया वो हमारा काम सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। चलो बाइक को स्टार्ट करके थोड़ा सा पीछे लेते हैं और ये चीज़ चेक करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ा सा बाइक को पीछे लेके जाते हैं और फिर आगे लेके आते हैं स्टार्ट करके गियर में डाल के, आवाज़ आप लोग सुनना। इस वीडियो में क्या करना है मैंने खूब अच्छी तरीके से बताया आप लोगों को। चलो इस बंदे से पूछ ही लेते हैं, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं, तो प्रॉपर सॉल्व हो चुकी है और बहुत खुश लग रहा है क्योंकि इसके जो पैसे हैं वो बच गए। अभी मैंने इसका काम कर दिया चैन स्पॉकेट का, और कहीं पे होता तो इसके जो चैन स्पॉकेट है वो 100% नई पड़ जाती। अभी ये चली कितनी है 23,626 किलोमीटर, तो इतने पे चैन स्पॉकेट ख़राब हो जाती है, लेकिन अभी मैं इसे और चलवाऊंगा उसके बाद चैन स्पॉकेट चेंज करेंगे। बाकी ये वीडियो करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो में।